यूनान का एक शहर है मैग्नीशिया नाम का। इस मैग्नीशिया नाम के शहर में लगभग 600 ईसा पूर्व कुछ काली चट्टानें पाई गई थी, और इन काली चट्टानों के जो टुकड़े थे उनका यह गुण था कि लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते थे। तो इन काली चट्टानों को इस शहर के नाम के आधार पर मैग्नेट नाम दिया गया। इन काली चट्टानों का यह गुण था कि इसे जब भी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता था, यह हमेशा पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ही ठहरते थे। शुरुआत में इन चट्टानों को, इन टुकड़ों को लीड स्टोन, लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन का नाम दिया गया था, पर बाद में इस शहर के नाम के आधार पर इसे मैग्नेट नाम से पुकारा गया। मैग्नेट को हम हिंदी में चुंबक के नाम से जानते हैं, और चुंबक का वह गुण जिसके कारण ये लोहे के टुकड़ों को या चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे चुंबकत्व नाम दिया गया। मुझे ये बताइए बच्चों कि आप दिशा किस प्रकार पहचानते हैं। हमारे पास चार भौगोलिक दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हम दिशा की पहचान किस प्रकार करते हैं? पहले जमाने में दिशा की पहचान करने के लिए हम सूरज पर निर्भर करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो पूर्व पश्चिम की यदि पहचान हो जाती है तो उत्तर दक्षिण भी हम पहचान जाते हैं। और रात के समय हम ध्रुव तारे का इस्तेमाल करते थे दिशा को पहचानने के लिए, क्योंकि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है। तो एक दिशा का ज्ञान हो जाता है तो हम बाकी दिशाओं को भी पहचान सकते हैं। लेकिन रात में मान लीजिए बादल छाए हुए हैं, तारे नहीं दिख रहे, उस समय आप दिशा को कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक उपकरण है जिसे हम चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक नीडल या कंपास के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस चुंबकीय सुई को आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे। आपने इसे अपने स्कूल के लैब में देखा होगा, या फिर आजकल ये आपके कंपास में या कुछ खिलौनों में भी पाया जाता है। ये चुंबकीय सुई सदैव ही पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाती है। एक्चुअली पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, या यूं कहे पृथ्वी सबसे बड़ा चुंबक है, और इस चुंबक में भी, यानी इस पृथ्वी में भी दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो चुंबकीय सुई है वो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिण को दर्शाती है। यानी कि जब हम कंपास को किसी भी स्थान पर रखते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक नीडल की दिशा होती है वो पृथ्वी के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को दर्शाती है। लेकिन इस कंपास के सामने कोई दूसरा चुंबक लाके रख दिया जाए तो उस समय ये चुंबकीय सुई उस चुंबक से प्रभावित हो जाती है, और फिर वो उस चुंबक के उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाना शुरू कर देती है। लेकिन जब इस चुंबकीय सुई को चुंबक से दूर ले जाया जाता है तो धीरे धीरे ये चुंबक का प्रभाव इस सुई पर कम होने लगता है, और उसके बाद ये चुंबकीय सुई पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण को दर्शाना शुरू कर देती है। क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव तो हमको पूरे पृथ्वी पर मिलेगा, और हम एक्सपेरिमेंट पूरे पृथ्वी पर कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव इस सुई पर हमेशा रहेगा। लेकिन इस चुंबक का प्रभाव इस सुई पर कुछ ही एरिया तक ही रहता है, कुछ ही क्षेत्र तक ही रहता है, और वह क्षेत्र जहाँ तक इस चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों, इस चुंबकीय सुई की सहायता से हम चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पता लगा सकते हैं। हमने देखा कि चुंबकीय सुई इस चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है, और इसके विक्षेप को हम देखें, इस सुई के जो शीर्ष है उस पर हम पेंसिल या पेन की सहायता से यदि उसको मार्क करते जाएं, और मार्क करने के बाद उसको हम जोड़ें, तो वो एक वक्र के रूप में होती है, और ये जो वक्राकार पथ हमें प्राप्त हो रहा है इसे हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, या फिर इसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चुंबकीय बल को ही बताती है, और इसी क्षेत्र के अंदर जब कोई दूसरा ध्रुव या फिर कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो वो इस बल का अनुभव करता है। बच्चों, आपने चुंबक,
चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ा है। आपने यह भी देखा होगा कि यदि किसी दंड चुंबक पर लोह चूर्ण को बिखराया जाए तो आप चुंबकीय बल रेखाएं देख सकते हैं। बच्चों, आपको पता है हम चुंबकीय बल रेखाएं खींच भी सकते हैं। चलिए आज हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? स्वाभाविक है, एक दंड चुंबक तो चाहिए ही, और साथ में हमें चाहिए सफेद कोरा कागज, स्केल, पेन पेंसिल और ये चुंबकीय सुई। इस चुंबकीय सुई को आपने अपनी शालाओं में देखा होगा। इसमें ये जो तीर नुमा दिखाई दे रहा है यही चुंबकीय सुई है और ये स्वयं में एक चुंबक है। आप जानते हैं ये हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही ठहरती है। तो चलिए चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इस कोरे कागज में सेंटर पर हमने एक यहाँ देखिए लाइन खींची हुई है और अब हमें इस चुंबकीय सुई की सीध में इस लाइन को सेट करना पड़ेगा। तो देखिए इसे हम सेट कर लेते हैं। इसके लिए ये देखिए इसे सदैव हमें लंबवत देखना होगा और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि जब हम ये प्रक्रिया कर रहे हों तो कोई भी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ आसपास ना हो, इसलिए हम इसे यहाँ दूर में रख देते हैं। ठीक है, अब हम इसे लंबवत सेट कर लेते हैं। ये देखिए ये सेट हो गया। चलिए अब हमें ये देखिए जो तीर की तरफ जो नोक वाला दिखाई दे रहा है ये हमेशा नॉर्थ को बताता है, उत्तर को। तो यहाँ हम N लिख देते हैं। अच्छा, पहले हम एक काम कर लेते हैं, कागज हमारा हिल ना जाए इसलिए हम इसे सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सुई हमारी सीध में है, अभी हम इसे फिक्स कर लें। ये देखिए थोड़ा सा अगर हिल भी जाए तो आप इसे पुनः सेट कर लें ये, और इसके बाद कागज को अच्छी तरीके से सेलो टेप की सहायता से आप फिक्स कर लें। अब हमारे कागज की स्थिति नहीं बदलेगी और अब हम उत्तर और दक्षिण जो है वो मार्क कर देते हैं। जो नोक की तरफ होगा वो उत्तर को दिखाएगा और जो टेल है इसकी वो होगी आपकी साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव का। ठीक है, अब हम इस चुंबकीय की सुई को यहाँ से हटाते हैं और ये दंड चुंबक यहाँ ले आते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ एन हमने लिखा हुआ है तो इसको भी इसी प्रकार लिखें रखें कि ये उत्तर की तरफ N के साथ N और S के साथ S हो गया। यहाँ इसे आप चुंबक को रखने के बाद इसकी स्थिति को कागज पर उकेर लें। ये हमने कर लिया। ठीक है, अब चुंबकीय बल रेखाएं खींचने के लिए चुंबकीय सुई की आवश्यकता होगी। आपको करना क्या है, देखिए चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो हमेशा उत्तर से निकलती हैं, इसलिए हम इसे ये देखिए ये एन पे इसको सेट किया। ये तीर आपको इस सिरे से चिपका हुआ है और इसकी जो पूंछ वाला हिस्सा है उसके जस्ट सामने आपको एक निशान लगाना है। ये देखिए ये प्रक्रिया अच्छे से समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस तीर को इस निशान के बिल्कुल सामने इस प्रकार रखेंगे और फिर जो पूंछ वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा उसके फिर सामने आपको ये निशान लगाना है। यही प्रक्रिया आपको आगे बढ़ाती जानी है और इससे जो बिंदु आपको मिल रहे हैं इनको मिलाने से हमें चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई देंगी। ये देखिए ये फिर से आगे बढ़ते जाते हैं। ये देखिए नोक के सामने इस निशान को कर लिया और उसके बाद फिर पूंछ के तरफ सामने आपने फिर निशान लगा दिया। बिल्कुल, अब इनको मिला लेते हैं। ये देखिए ये पहली चुंबकीय बल रेखा जो है हमें यहाँ मिल गई, इसको मिला लीजिए। ये ठीक है, और अब अगली चुंबकीय बल रेखा खींच लेते हैं। ये रखा हमने फिर से इसे सिरे पे और उसके बाद पुनः वही प्रक्रिया और इसी प्रकार बिंदु प्राप्त कर करके आप चुंबकीय बहुत सारी बल रेखाएं खींच सकते हैं। ये हो गए। तो देखिए बच्चों, हमने कितनी सारी चुंबकीय बल रेखाएं खींच ली हैं। इसमें से ये देखिए
ये जो चुंबकीय बल रेखा है ये उत्तर से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जा रही है। ऐसी बहुत सारी बल रेखाएं यहाँ पर हैं। कुछ बल रेखाएं जो है ये देखिए ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ आ रही हैं। इनमें कुछ में हमने एरो निशान लगा दिया है। अब जैसे इसमें नहीं लगा हुआ ये किधर होगा, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ आ रही है तो ये एरो इस तरह से लगेगा। और ये जो है ये उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं तो ये तीर का निशान इसकी तरफ होगा। देखिए कुछ चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह की भी हमको मिलेंगी, ये देख रहे हैं आप। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हमने खींची, ऐसी और भी चुंबकीय बल रेखाएं आप इसमें खींच सकते हैं। जब हम चुंबकीय सुई की सहायता से चुंबकीय बल रेखाएं बनाते हैं तो ये बल रेखाएं कुछ इस प्रकार दिखती हैं। और इस चुंबकीय बल रेखाओं को हम देखें तो ये चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर होती हैं, यानी कि नॉर्थ से उत्तर ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। लेकिन यदि इसे हम चुंबक के अंदर देखें तो ये दक्षिणी ध्रुव से शुरू होते हुए उत्तरी ध्रुव में खत्म होती हैं। और यूं कहें तो ये चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। और इस वक्र में किसी भी बिंदु पर यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी हो तो हम इस पर बनाते हैं स्पर्श रेखा। तो किसी भी बिंदु पर बनाई गई स्पर्श रेखा इस चुंबकीय बल रेखाओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। यहाँ पर हम देखें कि ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और ये प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है, ये प्रश्न एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है बच्चों कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो जब आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं यदि एक दूसरे को काटती। हालांकि प्रश्न पूछा जाता है कि एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, लेकिन हम शुरुआत कैसे करेंगे कि यदि ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर, चूंकि वहां पर 2 बल रेखाएं हैं यानी कि 2 वक्र हैं, तो कटान बिंदु पर हम प्रत्येक वक्र के लिए 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे 2 बल रेखाएं ली है, उसके कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा दिख रही है। तो ये 2 स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं को बताती है। और एक ही बिंदु पर क्या चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो सकती है? ये तो असंभव है। इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। और साथ ही यदि हम चुंबकीय बल रेखाओं को देखें तो ध्रुवों के पास इनका घनत्व अधिक होता है, जबकि हम चुंबक के चारों ओर देखें तो इनका घनत्व कम है। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे चुंबक के तो इनका घनत्व और भी कम होने लगेगा, मतलब ये बल रेखाएं दूर होती जाएंगी। ध्रुवों पर इनका घनत्व क्यों अधिक है? क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबक में उसके सिरों पर लौह पदार्थ के लिए, चुंबकीय पदार्थ के लिए आकर्षण सबसे अधिक होता है। और जहाँ पर सर्वाधिक आकर्षण होता है लौह पदार्थों के लिए, उसे हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर बल का मान अधिक होगा और इसीलिए यहाँ पर हम चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व देखें तो वो भी अधिक है, यानी कि बल रेखाएं पास पास हैं। इन बल रेखाओं को हमने कंपास की सहायता से, पेंसिल की सहायता से बनाया। इस चुंबकीय बल रेखाओं को आप लौह चूर्ण के अनुसार भी बना सकते हैं। तो आइए एक एक्टिविटी द्वारा हम देखते हैं कि हम किस प्रकार लौह चूर्ण की मदद से चुंबकीय बल रेखाओं को बना सकते हैं। बच्चों चुंबक, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। देखिए मेरे पास भी यहाँ एक चुंबक है। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? बिल्कुल सही, 2 ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ भी देखिए ये N जो है वो उत्तरी ध्रुव को बता रहा है और S जो है वो दक्षिणी ध्रुव को। साथ ही मेरे पास यहाँ पर बाउल में कुछ ऑल पिन्स हैं और इस बाउल में है लोह के चून। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ये जो चुंबक है इसको ऑल पिन्स के पास में ले जाते हैं। आपको पता है ना क्या प्रतिक्रिया होगी? वही कि ये सारी जो ऑल पिन्स है वो चुंबक से चिपक जाएंगी। ये देखिए ये ऑल पिन्स चुंबक से चिपक गई हैं। पर एक बात देखने के लिए ये भी है कि जो ऑल पिन्स है उनमें से कुछ ऑल पिन जो है वो चुंबक के से सीधे जुड़ी हुई हैं, सीधे चिपकी हुई हैं। लेकिन कुछ ऑल पिन्स ऐसी भी हैं जो क्या हो रही है, उन ऑल पिन से चिपकी हुई हैं
जो चुंबक से चिपकी हुई है। इसके अलावा एक काम करते हैं, ये जो एक ऑलपिन जो छूट गई है इसको भी देखते हैं एक ऑलपिन के पास ले जाकर। ये देखिए ये भी चिपक गई, ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। चलिए तब तक हम एक दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम इस चुंबक को यहाँ पर इस प्रकार व्यवस्थित कर रहे हैं और इस ऑलपिन को इसके ध्रुवों के पास ले जाएंगे। तो चलिए मैं इस ऑलपिन को इस ध्रुव उत्तरी ध्रुव के पास ले जा रही हूँ। क्या हो रहा है, ये इसे आकर्षित कर रही है। यही प्रक्रिया हम दक्षिणी ध्रुव के साथ कर लेते हैं। ये देखिए इसके पास ले जाने से ये भी इसे आकर्षित कर रहा है। अब एक काम करते हैं, इसे हम ले चलते हैं सेंटर की तरफ। ये देखिए जब इस ऑलपिन को मैं यहाँ सेंटर पर लेकर आ रही हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए दोबारा देखिए, जब हम इसे सेंटर पर ला रहे हैं ये देखिए, मतलब ये डाइवर्ट हो रहा है और चुंबक के किसी एक सिरे की तरफ जाकर चिपक जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चुंबक के ध्रुवों में आकर्षण क्षमता अधिक होती है। चुंबक में एक ऐसा बिंदु भी होता है जहां आकर्षण क्षमता नहीं होती है, यानी कि चुंबकत्व नहीं होता है। ऐसे बिंदु को उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इस ऑलपिन को अलग अलग दूरी से चुंबक के ध्रुवों के पास ले जाते हैं। देखिए जब मैंने इतने पास रखा हुआ है यह आकर्षित हो रहा है, थोड़ा दूर ले जाते हैं अभी भी आकर्षण हो रहा है, थोड़ा और दूर ले जाते हैं अभी भी आकर्षित हो रहा है, और थोड़ा दूर ले जाते हैं, अब देखिए यहाँ ये आकर्षण नहीं हो रहा। दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं, दूसरे ध्रुव के पास ले जाकर ये देखिए ये आकर्षण हो रहा है इतने पास से, थोड़ा दूर ले गए आकर्षण हो रहा है, थोड़ा और दूर ले गए तब भी आकर्षण हो रहा है, अभी भी आकर्षित हो रहा है, अब इसे थोड़ा और दूर ले जाते हैं, ये देखिए यहाँ भी अब आकर्षण रुक गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ तक चुंबक जो है वो प्रभावशाली होता है, जहाँ तक उस चुंबक का चुंबकीय बल कार्य करता है। इस क्षेत्र को हम चुंबकीय बल क्षेत्र कहते हैं। इसे और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम इस लोह चूर्ण को चुंबक के ऊपर बिखरा देते हैं। देखिए इस प्रकार से हम इसको बिखरा देते हैं। ठीक है, देखिए तो देखिए बच्चों कितनी सुंदर आकृति दिखाई दे रही है। यहां आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोह के जो चूर्ण हैं वो एक विशेष रेखाओं की दिशा में व्यवस्थित हो गए हैं। ये जो विशेष रेखाएं हैं इन्हें चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है, और इन चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व देखिए ध्रुवों में हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा किस लिए, हमने पहले भी बात की है कि चुंबक के ध्रुवों में आकर्षण क्षमता अधिक होती है। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे लोह चूर्ण जो है वो किनारों पर जो लोह चूर्ण है वो इस व्यवस्था में हमें नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चुंबकीय बल क्षेत्र में नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ उन ऑलपिन्स के बारे में जिनकी चर्चा हमने शुरू में की थी। वहां हमने देखा था कि कुछ ऑलपिन्स जो चुंबक से सीधे चिपकी हुई थी उनसे दूसरी ऑलपिन्स भी चिपक गई थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि चुंबक से जुड़ी हुई या चिपकी हुई जो ऑलपिन्स थी उनसे होकर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी, जिससे उनमें भी चुंबकत्व का गुण आ गया और वो चुंबक की तरह कार्य करने लगी, जिससे बाकी ऑलपिन्स उन ऑलपिन से जाकर चिपकने लग गई थी। तो बच्चों आपने इस क्रियाकलाप में चुंबक के ध्रुवों, चुंबक के उदासीन बिंदु, चुंबकीय बल क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में जाना। आप भी इस क्रियाकलाप को अपनी शालाओं में करिए। तो बच्चों इस एक्टिविटी की सहायता से हमने देखा कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के चारों ओर किस प्रकार बनी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने चुंबकीय सुई की सहायता से बनाया था। अब ये जो आपने पैटर्न देखा है चुंबकीय बल रेखाओं का, इसके आधार पर हम बाकी ध्रुवों के लिए भी, मतलब जब हम ध्रुवों को चेंज करते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार बनती हैं ये देखते हैं। हम जानते हैं कि ये बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं चुंबक के बाहर। तो यदि हम ये दो ध्रुव लेते हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण, और इनका चुंबकीय बल रेखाएं बनाते हैं। वैसे बच्चों मैंने यहाँ पे उत्तर और दक्षिण
सेपरेट दो ध्रुव लिए हैं, पर यह बात आप ध्यान में रखिएगा, ये किसी भी चुंबक का सेपरेट एक ध्रुव नहीं हो सकता। यदि हम चुंबक की बात करते हैं तो उसमें दो ध्रुव होते ही हैं। अगर हम चुंबक को छोटे से छोटे टुकड़े में भी तोड़ दें तो भी उसमें दो ध्रुव होते ही हैं, यानी कि सिंगल ध्रुव की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। तो यदि हम यहाँ पे उत्तर और दक्षिण अलग अलग से लिखे हैं तो इस उत्तरी ध्रुव का कोई दक्षिणी छोर भी होगा और उस दक्षिणी ध्रुव का कोई उत्तरी छोर भी होगा, पर फिलहाल हम इन दोनों ध्रुवों पर फोकस करते हैं। अब इसकी बल रेखाएं बनाते हैं, तो ये कैसे बनेंगी? उत्तर से शुरू होंगी और दक्षिण में प्रवेश करेंगी। अब देखेंगे कि अगर इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लें, यानी कि बीच में देखें, तो चुंबकीय बल रेखा स्ट्रेट होंगी, और जैसे जैसे हम थोड़ा दूर जाते जाएंगे ध्रुव से तो ये वक्राकार रूप में अरेंज होती जाएंगे उत्तर से शुरू होके दक्षिण की ओर। तो इस प्रकार एक उत्तर और दक्षिणी ध्रुव का चुंबकीय बल रेखाएं बनाई जाती हैं। अब यहां पर दो बल रेखाओं का चित्र आपको दिया गया है। अब इनमें से आपको जज करना है कि कौन कौन से ध्रुवों के लिए बल रेखाएं बनाई गई हैं। अब इस चित्र को देख सकते हैं, ये दोनों ही चित्र एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, और शायद आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि दोनों चित्र तो सेम दिख रहे हैं, फिर इसमें अलग अलग ध्रुव कैसे पहचानेंगे, ये कैसे जानेंगे कि कौन से ध्रुव के लिए बनाया गया है। अब हम पहले वाली स्थिति देखते हैं और दूसरी भी देखते हैं कि देखो इसमें जो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे की ओर नहीं आ रही है, बल्कि एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही है। ये एक से शुरू के दूसरे पे खत्म नहीं हो रही है, बल्कि ये एक दूसरे की ओर आते आते एक दूसरे के समांतर हो जा रही है। इसका मतलब यहां पर आकर्षण नहीं हो रहा है, यहां पर प्रतिकर्षण हो रहा है, और प्रतिकर्षण दो समान ध्रुवों के बीच में ही होता है। अगर दो विपरीत ध्रुव होते तो आकर्षण होता, जैसे कि पहले स्थिति में था, और यहां पर प्रतिकर्षण हो रहा है इन बल रेखाओं के बीच में, ये एक दूसरे के पास नहीं आ पा रही है, मतलब निश्चित रूप से यहां पर दो समान ध्रुव रखे गए हैं दोनों ही स्थिति में। पर या तो यहां पे उत्तर और उत्तर होगा या तो दक्षिण और दक्षिण, पर दोनों में से किस स्थिति में उत्तर और किस स्थिति में दक्षिण, तो इसे आप पहचानेंगे इन बल रेखाओं में तीर के निशान से। हम जानते हैं कि बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो जिस चित्र में तीर का निशान आपको शुरू होते हुए प्रारंभ होते दिख रहा है किसी ध्रुव से, मतलब वो उत्तरी ध्रुव है। तो पहले वाले चित्र में हम देखें कि यहाँ दोनों ही ध्रुवों से जो बल रेखाएं वो प्रारंभ होते हुए नजर आ रही हैं, मतलब यहाँ पर दो समान ध्रुव उत्तरी ध्रुव हैं। और दूसरी स्थिति में देखें, सेम वही चित्र है लेकिन यहाँ पे तीर का निशान अंदर की ओर है, तो इसे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर दोनों ही ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है। तो इस प्रकार चित्रों की सहायता से अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और कभी भी एग्जैक्टली सेम डायग्राम आपको देखने को मिले तो आप तीर के निशान पर जरूर फोकस करें, ताकि आप दोनों ही ध्रुवों के का आसानी से पता लगा सकें। अब मान लीजिए आपके पास एक नाल चुंबक है और उसका आपको चुंबकीय क्षेत्र देखना है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको बनानी है। वो किस प्रकार बनेंगी? नाल चुंबक एक यू शेप का चुंबक होता है। नाल चुंबक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घोड़े के नाल के आकार का होता है। इसके भी दो छोर हैं, दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और ये दोनों ध्रुव एक दूसरे के समांतर होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों ध्रुवों के बीच में गैप है। अब इनका चुंबकीय बल रेखाएं बनाना है, तो इनकी चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस प्रकार दिखेंगी। इन बल रेखाओं को आप चुंबकीय सुई की सहायता से भी बना सकते हैं, या फिर जैसे हमने क्रियाकलाप में लोहे का बुरादा, लोहे का चूर्ण लिया था, उसकी सहायता से भी इसकी बल रेखाओं को आप बना सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम दो चुंबक लेते हैं और दो परिस्थितियों में चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे। एक बार इन दोनों चुंबक के समान ध्रुवों को आमने सामने रखकर, और दूसरी बार इन दोनों चुंबक के असमान ध्रुवों को आमने सामने रखकर हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार की प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले हम दो चुंबक लेते हैं और इन दोनों चुंबक के समान ध्रुव उत्तरी ध्रुवों को हम आमने सामने रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब इसके लिए वही प्रक्रिया करनी होगी। ये देखिए सफ़ेद कोरा कागज़ मेरे पास है, इसमें बीच में हमने एक लाइन खींची हुई है और ये चुंबकीय सुई को
उसकी जो सुई है उसको लाइन के साथ सीध में लाना होगा। तो बिल्कुल पहले की तरह हम इसे चुंबकीय सुई को लाइन की सीध में ले आते हैं। ये देखिए लंबवत इसे देखना भी है, और इस समय कोई भी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ हमारे आसपास नहीं होना चाहिए, तो मैं इसे और दूर कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, ये इसकी सीध में आ गया है। ठीक है, अब कागज़ हिलना नहीं चाहिए, तो हम एक सावधानी के तौर पर इस कागज़ की स्थिति को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। अगर कागज़ थोड़ा हिल जाए तो वापस उसे चेक कर लें कि कहीं तीर तो नहीं हिला है, या सुई जो है चुम्बकीय सुई जो है वो अपनी पोजीशन से नहीं हिली होनी चाहिए। ये देखिए, ये फिर हमने ये कर लिया। ठीक है, अब इस चुम्बकीय सुई को यहाँ से हटा देते हैं और ले आते हैं दोनों चुंबकों को। ये चुंबक, ये देखिए, ये इसका उत्तरी ध्रुव N से दिखा रहे हैं, इसे इस प्रकार यहाँ रख लीजिए, और ये दूसरे चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव, ये देखिए N। एक काम करते हैं, हम इन उत्तरी ध्रुवों को यहाँ पर N से दिखा भी देते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया N, और ये भी हो गया N, समान ध्रुव हो गए। और साथ ही साथ हम ये जो चुंबक है इनको इन कागज़ पर उकेर लेते हैं, इनकी स्थितियों को कागज़ पर उकेर लें। इसके लिए इस तरीके से ये आप कर लें, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर भी। ये देखिए, ये हमने कर लिया। अब चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं चुंबकीय सुई की सहायता से, बिल्कुल पहले जैसी प्रक्रिया। एक सिरे पर, इसके उत्तरी सिरे पर हम त्रिध्रुव जो हमारे पास है वहाँ चुंबकीय सुई को ले जा रहे हैं। तीर का नोक इस तरफ है, तो इसका जो पूंछ वाला हिस्सा है उसके सामने हम एक बिंदु लगा देते हैं। ये देखिए, ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक निशान हो जाएगा पूंछ के पास में। इसके वापस तीर की नोक पे ये बिंदु सेट कर लें, और इसके पीछे दूसरा निशान। यही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और इन्हीं बिंदुओं से हमें चुंबकीय बल रेखाएं मिलेंगी, जैसे हमने पहले भी किया है। चलिए, अब इन बिंदुओं को मिला लें तो हमें एक चुंबकीय बल रेखा मिल जाएगी। अगली चुंबकीय बल रेखा की तरफ बढ़ते हैं, और फिर से ये देखिए, तीर के निशान को उत्तरी ध्रुव की तरफ रखकर, और ये उसके पीछे हमने निशान बना लिया। आगे प्रक्रिया को इसी तरह से बढ़ाएंगे और चुंबकीय बल रेखाएं खींचते चले जाएंगे। तो ये हमने चुंबकीय बल रेखाएं कुछ खींच ली हैं। आप भी ऐसे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ खींच सकते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर इन चुंबकीय बल रेखाओं में मैंने बाहर की ओर तीर का निशान लगाया हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चुंबक में उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाकर मिलती हैं, परंतु यहाँ पर क्योंकि हमने दोनों तरफ समान ध्रुव उत्तरी ध्रुव लिया हुआ है तो दक्षिणी ध्रुव यहाँ नहीं है, इसलिए ये बल रेखाएं जो हैं वो निकलती हुई यानी कि बाहर जाती हुई ही रहेंगी, इसलिए हमने यहाँ पर बाहर जाता हुआ तीर का निशान लगाया हुआ है। तो जब समान ध्रुव होते हैं तो इस प्रकार की चुंबकीय बल रेखाएं दिखती हैं। चलिए, अब हम इन दोनों चुंबक को लेकर इनके असमान ध्रुवों को आमने सामने रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे और देखेंगे कि वे किस प्रकार की प्राप्त होती हैं। तो चलिए बच्चों, अभी जैसे हमने इसके पहले दो चुंबक लेकर उसके समान ध्रुवों को आमने सामने रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींची, अब हम दोनों चुंबक के असमान ध्रुवों को आमने सामने रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचने जा रहे हैं। इसके लिए जैसे कि हमने पहले प्रक्रिया की थी, सफ़ेद कागज, कोरा कागज, उसमें बीच की लाइन हमने खींची और इस चुंबकीय सुई की मदद से इसकी सुई और लाइन को सीध में लेकर आए, और इसके बाद इन दोनों चुंबक के, ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ हम ये N से मार्क कर देते हैं, और ये है इसका दक्षिणी ध्रुव यानी कि S।
ये हमने इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया है। और अब हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। तो ये देखिए, ये चुंबकीय सुई, इसे हम इस प्रकार उत्तरी ध्रुव में, ये इसका जो तीर का नोक है वो इस तरफ दिखाई दे रहा है और इसकी पूंछ इस तरफ है, इसके जो टेल है उसके ठीक सामने ये निशान हमने लगा दिया। और उसके बाद वापस से उसी प्रक्रिया के अनुसार इस नोक को यहाँ सामने करके फिर से ये दूसरा निशान, आगे बढ़ते जाते हैं, देखते हैं हमें यहाँ किस प्रकार की बल रेखाएं मिलेंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई, निकलने के बाद ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हुई, एक निशान और लगा लें, फिर हम इन बिंदुओं को मिला लेंगे। ये देखिए, अब हम जब इनको मिलाते हैं तो ये हमें एक चुंबकीय बल रेखा मिल जाएगी। आप इसे फ्री हैंड से इस प्रकार मिला सकते हैं। ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हुई, इसलिए इसमें इस तरह का तीर के निशान होंगे। चलिए अगली चुंबकीय बल रेखा खींच लें। ये देखिए, फिर से उसी प्रकार, तो बच्चों देखिए, जब चुंबक के असमान ध्रुवों को हमने आमने सामने रखा तो हमें इस प्रकार की बल रेखाएं प्राप्त हुई जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरफ चल रही हैं। और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं, ये भी उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और इसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल इसी प्रकार ये जो आपको यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में आती हुई दिख रही है, वो इसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल रही है। तो हमने देखा कि जब चुंबक के समान ध्रुवों को हम आमने सामने रखते हैं तो जो चुंबकीय बल रेखाएं दिखती हैं वो असमान ध्रुवों की स्थिति से अलग दिखती हैं, उससे भिन्न होती हैं। अब हम एक नाल चुंबक लेते हैं और इससे चुंबकीय बल रेखाएं खींचकर देखेंगे कि ये हमें किस प्रकार की प्राप्त होंगी। ठीक है, तो देखिए, फिर से सफेद कोरा कागज यहाँ पर मेरे पास है, इसमें हम इस नाल चुंबक को इस प्रकार से रख देते हैं। पर अब सबसे पहले हमें इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को देखना होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से मदद लेंगे चुंबकीय सुई की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चुंबकीय सुई का जो तीर वाला हिस्सा है, इस तीर में जो नोक जो आपको दिखाई दे रही है वो हमेशा उत्तरी ध्रुव को बताती है और इसका पूंछ वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव को बताता है। तो इसी बात की सहायता से हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को ढूंढ पाएंगे। ये देखिए, जब मैं इसे इस सिरे के पास ला रही हूँ तो तीर का जो नोक वाला हिस्सा है इस सिरे की तरफ इंगित कर रहा है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ, यानी कि उत्तरी ध्रुव। तो हम यहाँ एन लिख देते हैं और ये बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, लेकिन देखिए ये जो है, आप ये देखेंगे कि इसका पूंछ वाला हिस्सा, अपने आप जो तीर है वो घूम गई और पूंछ वाला हिस्सा जो है ये इस सिरे से जाकर मिल गया, यानी कि ये दक्षिणी ध्रुव है। ये हमने यहाँ भी मार्किंग कर दी। ठीक है, अब हम खींचेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। प्रक्रिया वही होगी जैसे कि पहले हमने देखी है। ये हमने चुंबकीय सुई को रखा और उसके बाद हम निशान लगाना शुरू करेंगे। इसके पूंछ वाला जो हिस्सा दिख रहा है उसके बिल्कुल सामने ये एक निशान हमने लगा दिया, दूसरा निशान, देखिए वापस से इसे इस तरह से सेट करिए, ये हुआ, और अब आप इसे रखेंगे तो ये वापस इसी तरफ घूम रहा है। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमें यहाँ दो ही बिंदु मिले हैं, इनको मिलाकर हम एक चुंबकीय बल रेखा ये हमने खींच दी। इसकी दिशा आपको पता है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ। और चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, फिर से
इसे यहाँ पर हमने इस प्रकार सेट कर लिया और इसकी पूंछ के पीछे ये निशान लगा दिया। चलते हैं, दूसरा निशान लगाएंगे और इस प्रकार हम बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे। तो इस प्रकार हमें बिंदु प्राप्त हो रहे हैं और लगातार ये प्रक्रिया करते रहना है और इन बिंदुओं को मिलाकर हमें चुंबकीय बल रेखाएं मिलती जा रही हैं। देखिए, हमने यहाँ 2-3 बल रेखाएं खींच ली हैं, आगे भी हम इसको खींचते जाएंगे। ये और एक चुंबकीय बल रेखा हमको मिल गई। ये दक्षिणी ध्रुव है तो ये इसका डायरेक्शन भी इस तरफ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं खींच ली। आप और भी खींच सकते हैं। बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं? इसके पहले भी हमने धन चुंबक के लिए चुंबकीय बल रेखाएं खींची, वहां भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही थी, क्योंकि यदि वे ऐसा करती हैं तो उस बिंदु पर चुंबकीय सुई दोनों दिशाओं को दिखाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही नाल चुंबक, दंड चुंबक लेकर चुंबकीय बल रेखाएं अपनी शालाओं में खींचिए।